डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बड़ा को जाना हाल ठीक है बांझ होनी। अच्छा बोला हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग भले होला। मैं भले जान मैं भी भले से देखना होला तुम लोग देखना होला स्लीक अपने जी ने आज का ब्लॉग शुरू कर ही दिया तो हम भी शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी सुबह की 9:30 बज गए हैं और मैंने नाश्ता भी कर दिया है तो मैं अब रेडी हो गई हूँ। तो देखती हूँ आज मैं कहाँ जाती हूँ। तो अभी मम्मी ने बताया नहीं कि आज मैंने कहाँ जाना है, तो अब देखती हूँ पूछती हूँ मैं मम्मी जी को। तो अभी 10 बज गए हैं और मैं जंगल ही जा रही हूँ। साथ में मैं लाई इनको बैलों और भैंसों को और इनकी वजह से लोग भागे आगे, मैं तो पीछे रह गई हूँ। इन्होंने मेरे पे आज आफत भी निकाल दी है तो थकान तो मुझे आज यहीं से लग गई है। तो देखते हैं लोग मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या मुझे आज अकेले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं चलो चलते हैं। आज मैं इनको यहीं पर छोड़ रही हूँ, इन्होंने बहुत आफत निकाल दी है आज मेरे पे, तो बहुत थकान भी लग गई है मुझे। इनकी वजह से मुझे हमेशा लेट ही होता है, खासकर इन बैलों की वजह से जगह जगह भाग रहे हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अभी पहुंच गई मैं उत्थार में, तो यहाँ पे मिल गए मुझे बहुत सारे लोग। तो मैंने सोचा आज मुझे कोई नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे तो मुझे बहुत मिल गए हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये है हमारे गांव का उत्थार, यहाँ पे हम लोग दरांती पे धार लगाते हैं, रेस्ट करते हैं, लोगों के लिए रुकते हैं। यहाँ पे जो पीछे छूट जाते हैं तो उसको यहीं पे रुकते हैं। तो अब जाते हैं हम कौन जाएंगे बढ़िया दुगड़ी। अच्छा तुम उनके लिए सब ले बांझ, तो सभी ने बांझ लाना है। तो अब जाएंगे हम दुगड़ी का गधेरा, तो दिखाऊंगी वहाँ आपको भी कैसा है दुगड़ी का गधेरा। मुझे यहाँ पे मिल गया है एक छोटा सा बांस का पेड़ और उस पर कितने सारे फूल खिल रखे हैं, तो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं बांस। तो बांस हमारा राज्य वृक्ष भी है और बांस के कई फायदे हैं, इससे जूस भी बनाया जाता है, गर्मियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो जैसे फूल खिलने लग गए हैं तो मधुमक्खियाँ भी इन पे मंडराने लग गई है और अपना शहद बनाती है इनसे। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं अभी, तो देखिए कैसी झाड़ियाँ हो रखी हैं यहाँ रास्ते भी। रास्ता भी ठीक से है नहीं, तो चाची जी लग गए हैं रास्ता बनाने पे। और वहाँ ऊपर से ताई जी, और है ये है खतरनाक पाखा या बिल्कुल नहीं हम तब है चाची ढेर में बिल्कुल नहीं है पहले भी ओने की नहीं कितने बांझ हो कदे बांझ हुई नहीं। ताई के लिए बजरी
और यहाँ पे ताई लोग ला रहे हैं बजरी, क्योंकि पहाड़ों में सारा काम खुद करना पड़ता है, तो ये सार रहे हैं आज बजरी यानी रेत। नहीं फोन नंबर दे शाम के 3:30 बज गई है और मैंने खाना भी अभी खाया, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई अंदर पे। तब तक हमारे बैल है ना, जो जिनको मैं सुबह कह रही थी, इन्होंने मुझ पे आफत निकाल दी, तो फिर से लोगों के खेत में आ गए हैं उजाड़। तो मैं अभी उन्हीं को लेने जा रही हूँ। अब करती हूँ मैं उनकी कुटान, थकान लगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए दोनों महाराज हैं, लोगों के खेत में आ गई है आज। साले इनकी तो आज खैर नहीं, बहुत आफत निकाल दी इन्होंने सुबह से मेरे पे है। अब देखो दोनों में हमारे एक बैल के ना, ये कालू का, ये यहाँ पे देखो तो कितना कट गया है पैर, पता नहीं कहाँ काटा इसने। ये दूसरा वाला पैर भी ये यहाँ पे काट दिया। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अभी शाम की 5:30 बज गए है और मैं आ रखी हूँ अभी खेत में घास निकालने के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी सी मूली की पत्तियाँ काट रखी है और अब निकालूंगी मैं सरसों। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, थकान जैसी लग गई है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए मैं निकालती हूँ सरसों घास के लिए। वैसे तो घास मम्मी ने बनाना था, लेकिन मम्मी आज आलू की गुड़ाई करने में व्यस्त हो रखी है, तो मैं आ रखी हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट घास निकालना। जो जो मैंने घास की कंडी बना दिया है और ऊपर पे आ गई हूँ मैं कंडी को लेके। तो यहाँ पे हमारे गांव के ऊपर पे एक धार है, वहाँ पे बैठ रखी हूँ मैं। तो यहाँ से चारों तरफ के व्यूज बहुत सुंदर और प्यारे दिखते हैं, तो मैं अभी उन्हीं चीजों का आनंद ले रही हूँ यहाँ पे। भला दिन। अब जाती हूँ मैं गौशाला, भैंस भी अभी हमारे आए नहीं, यहाँ खेतों में आ रखा है नीचे। तो आज बैल भी, तो आज बैलों और भैंसों तीनों के मजे बड़क हैं, तीनों खेतों में घूम रहे हैं। तो अब ले जाती हूँ मैं उसको गौशाला में, तो अपना गौशाला काम निपटाती हूँ। और दौड़ी 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 तुझको माथी दौड़ मेरे उत्तराखंड में। दे 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 काटन चाहत गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ए अहन बुलाणू नहीं वहाँ सुन तुझको बुलाए बादलों की ओर से हेलो हनी मेरे उत्तराखंड में उन्हें तो ओ अभी आखिरी में बढ़िया निकलो देखो ले नजदीक नजदीक डाली डाली फूलों की कॉलेज जाना तो ओके था। अच्छा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, तो तब तक आप सभी के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। जो
डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए